मथुरा में धूमधाम से मनाया गया कंसवध मेला। छज्जू लायखाट के पाए मार मार लखन के झूर कराए। मथुरा में छज्जू लायखाट के पाए मार मार लखन के झूर कराए। पंक्तियां चतुर्वेद समाज के बंधुओं ने कंस के वध के दौरान खूब गाए और कंस के प्रतीकात्मक पुतले को सजी धजी लाठियों से झूरा। ये दृश्य श्री कृष्ण बलराम द्वारा किए गए कंस वध के दौरान चतुर्वेद समाज के बंधुओं कंस के प्रतीकात्मक पुतले पर लाठियों से किए गए वार का रहा। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला के तीसरे दिन सोमवार शाम चतुर्वेद समाज के लोग कंस का 50 हाथ ऊंचा पुतला लेकर कंस की टीले पहुँचे। यहाँ टीले पर पुतले को खड़ा किया। इसके बाद ठाकुर जी हाथी पर विराजमान होकर आए। श्री कृष्ण बलराम के सहयोग करते हुए चतुर्वेदी समाज ने कंस को लाठियां से झूरा। यहाँ से कंस के चेहरे को हाथ में लेकर सभी लोग भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकले। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी तटीय स्थान के गुरु जी शंकर जी की बोलती झांकी, कालिया मर्दन, जय भारत, कृष्ण बलदेव कंस वध आदि आकर्षक झांकियां, मयूर नृत्य, दांडिया प्रकाश बैंड, जमुना की शहनाई, बाबूलाल डोला, कृष्ण बलदेव और हाथी पर कृष्ण बलदेव आदि शामिल रहे। पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। विश्राम घाट पर श्री कृष्ण बलराम की आरती उतारी गई। माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने बताया कि कंस वध मेला में दुनिया भर में रहने वाले चतुर्वेद समाज के बंधु मथुरा आकर मेले में शामिल होते हैं। अध्यक्ष राकेश राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने संचालन किया। चतुर्वेदी समाज द्वारा आयोजित कंस वध लीला के दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला। छत्ता बाजार होली गेट कंस्टीला और रंगेश्वर तक संपूर्ण मार्ग को सजाया गया। मेरा नाम गजेंद्र चतुर्वेदी है और यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंस का वध हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कंस का वध किया है, जिसको कि सभी लोग आज जो चतुर्वेदी समाज के लोग हैं इसको बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ मना रहे हैं। और देश विदेश से जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से इस कार्यक्रम को या इस मेले को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं। और यहाँ पर आज बहुत ही अच्छी तरीके से जो आप यहाँ देख रहे हैं कि कंस वध का यहाँ आयोजन हुआ और यहाँ पर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कार्यक्रम का पूर्ण रूप से यहाँ आनंद उठा रहे हैं। और ये कंस का प्रतीकात्मक यहाँ पुतला है जो आप देख सकते हैं, सामने दिखाई दे रहा है, और इसको सभी अपना नाच कर गा कर इस मेले को एक अच्छी तरीके से यहाँ मना रहे हैं। मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी है। जैसा कि आप जानते हैं विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में कंस वध मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस कंस वध मेला में देश विदेश से चतुर्वेदी लोग भाग लेने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। दुबई से, बम्बई से, जहां भी चतुर्वेदी लोग बसे हुए हैं वो सभी लोग आज के रोज यहाँ आते हैं और यहाँ लट्ठों से कंस को मारा जाता है। कंस टीला के नाम से जगह प्रसिद्ध है। यहाँ से बाद में कंस के चेहरे को कंसखार सब्जी मंडी पर ले जाके कूटा जाता है। उसके बाद में उसको यमुना में विसर्जन किया जाता है और भगवान कृष्ण बलदेव को वहाँ विश्राम कराकर आरती की जाती है, जिससे उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। ये आज विजय दिवस है और कंस के अत्याचारी का वध करके भगवान यहीं से निकले थे, विश्राम घाट गए थे, हमारे पूर्वज के साथ में रहे थे और तभी से परंपरा का पालन करते हुए ये हमारा जाति सम्मेलन भी है। और 700 शस्त्र धर्म पे यदि आप बताएगी तो हमने शास्त्रीय रक्षा की और शस्त्र भी उठाया। तो 5000 साल जो पुरखों ने जो एक अन्याय का अंत करके भगवान का साथ दिया था उसी को हमने अपना जाति सम्मेलन मान करके और निर्णय करते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए और ये संकल्प लेते हुए अत्याचार का विरोध करना है, ये यात्रा निकल रही है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले पर सभी देशवासियों को, ब्रजवासियों को और समस्त समाज को बहुत बहुत शुभकामना। यह मेला परंपरागत तरीके से मनाते हैं हम लोग, क्योंकि योगीराज भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, उनके मामा राजा कंस की ये नगरी थी, उसके अत्याचार से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम ने राजा कंस का वध किया। ये एक तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। और उस समय क्योंकि चतुर्वेदी समाज मथुरा में थी तो वो भी कृष्ण बलराम जी के साथ में थे, तो वो परंपरा हम लोग निभा रहे हैं और उसी क्रम में यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है।
तो पहले गोपाष्टमी थी, उसके बाद नौमी, फिर आज कृष्ण महोत्सव कंसवद मेला। ये प्रोसेशन विश्रामगढ़ जाएगा, राजा कंस को मार के भगवान ने जहाँ विश्राम दिया उसका नाम विश्राम घाट है। पहले भगवान कृष्ण की आरती होगी, उसके बाद यमुना जी की होगी, कल देवज्ञान एकादशी है, तो हम लोग पूजा करेंगे। और इस अवसर पर सुने सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और ये हमारे शक्ति के रूप में भी मेला निकलता है, क्योंकि पूरे भारत पर स्वामी विशेष में चतुर्वेदी बांधव आते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और धीरे धीरे युवाओं को भी बहुत उत्साह है, और आप देखते हैं ज़्यादा ही लाठी लेकर के लोग निकलते हैं। और हम इस परंपरा को जो हमारे पूर्वजों ने दी उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।